ऑल राइट लेडीज एंड गर्ल्स, तो ये वीडियो उनके लिए जिनका 10 साल का, 20 साल का, दिन पता नहीं कितने कितने सालों का रिलेशनशिप होता है और उन्हें बाद में प्रॉमिस करके, सेक्सुअल इंटरकोर्स करके छोड़ दिया जाता है और उनसे शादी परफॉर्म नहीं करी जाती, तो उनके लिए ये सच्ची सलाह है। ठीक है, तो यार देखो, ध्यान से देखो, ये बॉयज़ के लिए नहीं है, ये गर्ल्स के लिए है, बिल्कुल स्पेशल। तो लेट्स स्टार्ट इट, इंट्रो। बोलता तेजाब मेरी अखां विच डर, दुनिया ये कहंदी मैं गरीब अकबर। तो देखो, अगर मान लो किसी ने आपके साथ 10 साल का, 20 साल का रिलेशनशिप बनाया है और वो अब आपसे शादी के लिए मना कर रहा है, ठीक है, चलो ये तो हो गई कंडीशन। पहले मैं आपको रेमेडी बता देता हूँ, आपके पास क्या क्या रेमेडी होती है एक्चुअल में, अगर हम लीगल बात करें, फिर हम बात करेंगे साइकोलॉजी। ठीक है, तो देखो, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो उसको आप पनिश करवा दो, ठीक है, या तो उसको पूरा केस करके, भाई अब मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को तेरे को पनिश ही कराना है, हो गया, पनिश हो गया, उसको रेप केस की सजा मिल गई, वो भी ऐसे नहीं, वो बहुत लड़ना पड़ता है केस, ठीक है, हिम्मत दिखानी पड़ती है। नेक्स्ट आता है उसको, मतलब उस पर केस करो, अगर वो मान जाता है कि हाँ भाई मैं शादी कर लूँगा और आप उससे शादी साथ शादी कर लो और खुश रहो। अब हम बात करेंगे थोड़ी रियलिटी की। देखो ये तो होगी किताबों वाली बात, ठीक है, एक जो डिसीजन आ गया, पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे रियलिटी की। रियलिटी में क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर लीगल देखा जाए ना, लीगल, ठीक है, अगर कोई शादी करता है, आपको पता है क्यों करता है शादी, बस उसके ऊपर रेप केस ना लगे इसलिए वो शादी करता है, बस। अब केस में, अब इस केस में क्या है, सपोज किसी का 8 साल का रिलेशनशिप है, ठीक है, और वो अब मना कर रहा है, यार एक बात तो, जब वो खुद ही मना कर रहा है, ठीक है, अगर शादी हो भी गई उसके बाद तो आप उसके ऊपर रेप केस भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी इंटेलेक्चुअल वकील के पास बैठोगे, वो उसको ये सलाह देता है कि यार उससे शादी कर ले, फिर क्या है, तेरा रेप केस नहीं होगा, ठीक है, और इंडिया में मैरिटल रेप है ना, वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, अगर आप किसी पर रेप केस लगाना चाह रहे हो और वो बंदा आपसे शादी कर ले, तो आप उसके ऊपर रेप केस नहीं लगा सकते, भले ही वो रेप हो आपका, जबरदस्ती हो, 375 IPC की जो डेफिनेशन है वो फुलफिल कर रहा हो, लेकिन वो रेप नहीं आएगा, क्यों, इंडिया में मैरिटल रेप एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, तो अगर वो जो 10 साल 8 साल से मना कर रहा है, यानी रिलेशनशिप बना के अब मना कर रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है वो बाद में रखेगा, ओके, समझ रहे हो। और जनरली अगर आप देखोगे तो पता है क्या होता है इंडियन सोसाइटी में, क्या होता है, शादी कर लेते हैं, ठीक है, शादी कर भी ली और वो आपको घर छोड़ आए, होता ना कि शादी हो गई, उसकी फैमिली वाले एग्री नहीं होते, यही होता है, होती नहीं है, क्योंकि ऐसी शादियों में मोस्टली ना उनको दहेज मिलता, तो उसकी फैमिली होती है ना, वो थोड़ी दिखाती है कि यार हमें कुछ मिला ही नहीं, क्या लेके आई थी, होता ना थोड़ा इंडियन सोसाइटी में, तो फिर वो बहस निकालते हैं, तो लड़का क्या करेगा, आपको छोड़ आएगा घर पे, फिर आपको लेने ना आए, मान के चलो आप, आपकी जिद थी ना शादी हो जाए, बस एक बार शादी हो जाए, शादी हो गई, अब वो आपको ना रखे, फिर आप सेक्शन 9 मूव करोगे, फिर कोई गारंटी है सेक्शन 9 की कि हाँ भाई उस, मतलब मान लो वो कहीं और ही चला जाए, कहीं चेंज ही कर दे, क्योंकि उसकी फैमिली एड्रेस नहीं है ना, उसकी फैमिली राजी नहीं है आपको रख के, क्यों, उन्हें दहेज नहीं मिला, ओके, और उन्हें, उन्होंने शादी आपसे इसलिए किया है ताकि भाई रेप केस से बच जाए, बस, और अफेयर अलाउड ही है इंडिया में, आपको पता है, शादी आपसे हो गई, ठीक है, मतलब फॉर्मेलिटी हो गई, अफेयर किसी और के साथ है, लड़की की तो लाइफ गई ना। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, पहले क्या होता था, पहले होता था अरेंज मैरिज, ठीक है, 70s का टाइम, फिर आ गया 90s का टाइम, फिर होती थी लव मैरिजेस, अब होती हैं कॉन्फ्लुएंट मैरिजेस। कॉन्फ्लुएंट मैरिज समझते हो आप, लेन देन, गिव एंड टेक, अगर कोई आपका पार्टनर आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी चीज़ में तब तक आपका रिलेशनशिप चलेगा, अदरवाइज आप उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे किसी चीज़ में भी, मेंटली हेल्थ या जो भी है, फिजिकली या जो भी है। तो नेक्स्ट थिंग आती है कि हर किसी को ना नई चीज़ें पसंद है, ठीक है, हर किसी को नई चीज़ें पसंद है, बिल्कुल, ये साइकोलॉजी फैक्ट है, आपका 10 साल का हो 8 साल का हो, वो चेंज हो गई, जब वो अभी आपसे शादी करने के लिए मना कर रहा है, तो क्या गारंटी है कि वो शादी के बाद आपको खुश रखेगा या कुछ भी, ठीक है, या फिर उसकी फैमिली खुश रहेगी। और एक बात बता दूँ आपको, इंडियन सोसाइटी में शादी करना बड़ी बात नहीं है, शादी को निभाना बड़ी बात है, ठीक है, शादी को निभाना, मान लो शादी कर ले और वो आपको छोड़ आए, तो कन्फ्लुएंट मैरिज चलती है, गिव एंड टेक, बस बस। और आज के टाइम में अफेयर अलाउड है, तो अफेयर हो ही सकता है, अगर आपको, अब आपके पास क्या रेमेडी है, देखो अगर अगर आपको कोई पूछे ना कि यार शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मतलब, तो देखो आपको बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, जब 8 साल का वो रिलेशनशिप था, ठीक है, जब वो अभी मना कर रहा है तो बाद में, मतलब उसकी फैमिली 100 पचड़े होते हैं, फिर आप सेक्शन 9 इतना इसको लेके नहीं बैठ सकते कि भी सेक्शन 9 किया था हमने तो अब हमें रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये उसकी फैमिली भी तो है ना, फिर कब तक वो आप केस ही लड़ोगे,
ओके, कि आपकी भी लाइफ है यार, अपना स्टडी करो, अपना मतलब इस चीज़ पे ध्यान देने से अच्छा भाई आपको क्या लगता है कोर्ट में इतनी जल्दी आपको जस्टिस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, आपको लड़ना पड़ेगा, 3-4 साल आपको केस लड़ना पड़ेगा, फिर वहाँ पे मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको डेट्स पे पेश होना पड़ेगा, बहुत मतलब स्ट्रगल है। अब मैं ये नहीं कह रहा आपको डिमोटिवेट करके कि यार आप केस मत लड़ो, रेप केस मत करो, ये मत करो, करोगे आपको शादी की बात बता रहा हूँ भाई, शादी की, ठीक है, शादी मत करो। अगर आपका 8-10 साल का रिलेशनशिप अगर वो मना करता है तो छोड़ो, वो कहते हैं ना बड़े बूढ़े, इफ़ यू कांट चेंज द बॉय चेंज द बॉय, तो अगर आप बॉय को चेंज नहीं कर सकते तो उसको चेंज कर दो। अब कुछ लोग कहेंगे यार ऐसे कैसे चेंज कर दे, 10 साल का रिलेशनशिप है, ये है वो है। अरे 10 साल का ठीक है, माना है 10 साल का है तो अब क्यों वो मना कर रहा है? अगर इतना ही सच्चा प्यार होता भाई तो अब क्यों मना कर रहा है, जाके कर लो ना। ठीक है, तो सोचो, कन्फ्लुएंट मैरिज चलती है इंडियन सोसाइटी में, कन्फ्लुएंट, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। अगर आप में से कोई UPSC का स्टूडेंट होगा और आपको पता होगा सोसाइटी आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता होगा कन्फ्लुएंट मैरिज, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक। ओके, सो यही होता है। अब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा आपसे तो वो शादी करेंगे नहीं, आई मीन उसकी फैमिली, ठीक है, उनको जो चाहिए था उन्होंने तो ले लिया, फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है, अब गया, अब बस गई इज्जत, तो उनसे शादी अब देख लो आपकी मर्जी है। अगर आप कोर्ट में जाओगे तो यार देखो 3-4 साल लगा लो, ठीक है, अगर आपके पास 3-4 साल हैं कि हाँ यार मैं कर सकती हूँ तो 3-4 साल लगा लो और पैसे पैसे इकट्ठे कर लो, मतलब मनी इकट्ठी कर लो ताकि केस लड़ने में काम आए। ओके, और इससे ज़्यादा हम आपको समझा नहीं सकते, ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर, बाय।